हम लोग पहुंच चुके हैं सिटी में जिसका नाम है विनिपेग। वैसे एक विनिपेग मार्स पे भी है और आपको जान के ये हंसी और अफसोस दोनों आएगा कि नासा ने मार्स पे एक जगह का नाम आखिर विनिपेग क्यों रखा। काफी सारे लोग मजाक में सिटी को विंटर पेग भी बोलते हैं, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ठंडा पड़ता होगा यहाँ पे कि लोगों ने मजाक में इसके नाम में ही विंटर ऐड कर दिया। अगर आप कनाडा से नहीं हैं, तो आपने शायद ही विनिपेग का नाम सुना होगा क्योंकि ये उतनी बड़ी सिटी नहीं है जितनी टोरंटो या वैंकूवर है। बट एक टाइम था जब पॉपुलेशन और ट्रेड के मामले में विनिपेग सबसे बड़ी सिटी थी और ये टाइम था 1914 के पहले। 1914 में ऐसा कुछ हुआ जिसने नॉर्थ अमेरिका के पूरे ट्रेड डायनामिक्स को चेंज कर दिया और बेचारा अपना विनिपेग काफी पीछे छूट गया। तो आज की वीडियो में हम लोग विनिपेग घूमेंगे, नई नई जगह जाएंगे, मार्स वाले विनिपेग की कहानी को एक्सप्लोर करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर 1914 में क्या हुआ था। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मार्स वाले विनिपेग की कहानी से। 2013 में नासा ने मार्स पे एक रोबोट गाड़ी भेजी जिसका नाम था क्यूरियोसिटी रोवर। इस रोबोट का मेन काम था डेटा कलेक्ट करना और साइंटिस्ट लोग इस डेटा की मदद से ये पता लगाने वाले थे कि मार्स पे कभी लाइफ थी कि नहीं थी। December 31st, 2013 को क्यूरियोसिटी रोवर ने पूरे मार्स का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया एज -29 डिग्री सेल्सियस। उस दिन विनिपेग का टेम्परेचर था -31 डिग्री और अगर आप विंड चिल सब चीज मिला ले तो टेम्परेचर पहुंच गया था -50 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए शायद नासा के साइंटिस्ट लोग ने मजाक में बोला कि विनिपेग इज कोल्डर देन मार्स। यहां तक तो बात मजाक में ही थी, बट आगे चीजें सीरियस हो गई। क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स में एक एरिया एनक्लोज करके रखा हुआ था, टारगेट करके रखा हुआ था जहां से वो डेटा कलेक्ट करता था और उस टारगेटेड एरिया को नासा ने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में डाला और नाम दिया विनिपेग। बस तभी से एक विनिपेग यहां अर्थ पे है और एक वहां मार्स पे है। विनिपेग का नाम और भी काफी सारी फेमस चीजों के लिए यूज हुआ है। टीवी पे एक कार्टून आया करता था विनी द पू के नाम से जिसमें एक बड़ा क्यूट सा भालू हुआ करता था। हेलो बलून। इस भालू का नाम था विनी और हाँ आप सही सोच रहे हैं, इसका ताल्लुक विनिपेग से ही है बट इनडायरेक्टली। विनिपेग शहर के आर्मी ऑफिसर इंग्लैंड से लौट रहे थे आफ्टर World War I, तब उन्होंने एक भालू का बच्चा खरीदा $20 में। उन्होंने इस भालू के बच्चे का नाम रखा विनी। बट किसी वजह से वो एक भालू के बच्चे को यहाँ कनाडा तक नहीं ला सकते थे, तो उन्होंने वहीं लंदन जू में उसको रख दिया। लंदन जू वालों ने देखा कि भालू काफी पॉपुलर हो रहा है, तो उन्होंने उसी के शेप का खिलौना बनाना स्टार्ट कर दिया और उस खिलौने का नाम रखा विनी। फिर एक दिन क्रिस्टोफर रॉबिन नाम के एक बच्चे ने उस भालू वाले खिलौने को खरीदा और फिर वो खिलौना उस बच्चे का फेवरेट खिलौना बन गया। वो जहां जाता था वो खिलौने को लेके जाता था। अब क्रिस्टोफर रॉबिन के जो पापा थे वो बेसिकली मीडिया वीडिया में थे, कार्टूनिस्ट थे, तो उन्होंने पूरी एक किताब लिख डाली अपने बच्चे और उनके खिलौने पे और अपनी कहानी में उन्होंने उस भालू के कैरेक्टर का नाम दिया विनी द पू। We have a very important thing to do today. विनिपेग डाउनटाउन में एक काफी बड़ा म्यूजियम है विच इज एक्चुअली द लार्जेस्ट नेशनल म्यूजियम इन एंटायर वेस्टर्न कनाडा। म्यूजियम के पास एक इंसान का स्टैचू बना है जिसको आप लोग शायद बड़े इजीली पहचान लें। एक ही स्टैचू है पूरे एरिया में और वो भी अपने महात्मा गांधी का, ऑलमोस्ट ह्यूमन साइज। ये म्यूजियम बेसिकली ह्यूमन राइट्स म्यूजियम है और दुनिया भर से ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स हैं यहाँ। म्यूजियम के बगल में है फोक्स। दुनिया भर से 4 मिलियन लोग हर साल यहाँ पे आते हैं फोक्स को देखने के लिए, तो हम लोग बड़े आराम से कह सकते हैं कि फोक्स इज द बिगेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ विनिपेग। और यहीं फोक्स पे विनिपेग की दो नदियां आपस में मिलती हैं, द रेड रिवर एंड द असिनबोइन रिवर। रेड रिवर की अपनी ही कहानी है, जब तब इसमें फ्लड आ जाता था और फिर न जाने कितना सिटी का नुकसान हुआ होगा इसकी वजह से। फाइनली सिटी काउंसिल पे इस पे ध्यान दिया और फिर फ्लड गेटवेज बनाए गए जिसकी वजह से अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है विनिपेग के बारे में, ये शहर पहला शहर था जिसने इमरजेंसी नंबर को अडॉप्ट किया था। आपने मूवीज में सुना होगा 911 कॉलिंग है ना इमरजेंसी के लिए, वो सबसे पहले पूरे नॉर्थ अमेरिका में विनिपेग में हुआ था। वो बात और है कि उस वक्त नंबर 999 था, बट स्टिल सबसे पहले यहीं पे हुआ था। क्यों हुआ था पता नहीं, शायद वहाँ तब भी यहाँ पे सबसे ज्यादा क्राइम होता होगा इसीलिए यहाँ पे अडॉप्ट किया गया। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं यहाँ विनिपेग में, जैसे कि यहाँ का जू, बहुत सारे पोलर बेयर्स हैं यहाँ पे, यहाँ की स्केटिंग रिंक, यहाँ पे लोग स्केटिंग करते हैं, यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी स्केटिंग रिंक है। पूरी रिवर ही फ्रीज कर जाती है तो लोग फिर आराम से उस पर स्केटिंग कर लेते हैं। बट हम लोग अब बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ 1914 में कि विनिपेग बेचारा बाकी सारी सिटीज के कंपेरिजन में एकदम पीछे रह गया। 1914 में पैनामा कनाल बनके तैयार हुई। अब अगर आप वर्ल्ड मैप उठा के देखेंगे तो पैनामा कनाल आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में नजर आएगा, तो सोचने वाली बात यह है कि पैनामा कनाल इतना नीचे है उससे विनिपेग को क्या लेना देना। तो विनिपेग जो है वो कनाडा के लॉन्गिट्यूडनल सेंटर के पास है जिसकी वजह से ये ट्रांसपोर्ट का हब बन गया था। सारा सामान पहले 1914 के पहले रेलवे से आता था और विनिपेग के पास और फिर वहां से वो पूरे कनाडा में डिस्ट्रीब्यूट होता था, क्योंकि ऑब्वियसली सेंटर में है तो इट इज ईजियर।
और सारा ट्रांसपोर्टेशन रेलवे से होता था, और क्योंकि सारा सामान विनिपेग में आ रहा था तो इसलिए लोग भी यहाँ पे आना चाहते थे, अपॉर्चुनिटीज यहीं पे थी। तो ये माना जा रहा था कि विनिपेग में बहुत जबरदस्त पॉपुलेशन इन्फ्लक्स होगा और 5-6 मिलियन पहुंच जाएगी पॉपुलेशन। बट फिर 1914 में पनामा कैनाल जैसे ही खुला वैसे ही शिपवेज खुल गए, और शिप से सामान पहुंचाना ज्यादा सस्ता था बनिस्बत ट्रेन से विनिपेग तक सामान पहुंचाना। तो धीरे धीरे विनिपेग में सामान आना बंद हो गया, उसी के साथ जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी वो भी रुक गई। सारे के सारे लोग जो पहले विनिपेग जाना चाह रहे थे वो अब मुड़ गए वेस्ट कोस्ट में एक नई सिटी की तरफ जिसका नाम था वैनकूवर। तो शिप से बेसिकली सामान सारा आता था वैनकूवर में, और फिर वैनकूवर से फिर डिस्ट्रीब्यूट होता था पूरे कनाडा में। तो विनिपेग बेचारा गया उस चक्कर में। बट ऐसा नहीं है कि पनामा कैनाल की वजह से विनिपेग को खाली नुकसान ही हुआ, कुछ फायदे भी हुए। अफोर्डेबिलिटी के मामले में विनिपेग अभी भी वैनकूवर से बहुत आगे है। अगर आप आज की डेट में जा रहे हैं वैनकूवर एक घर खरीदने के लिए तो आपको $1 million से कम में एक कमरा भी नहीं मिलेगा, और वहीं यहाँ विनिपेग में 300,000 में आपको अच्छा खासा 3-4 बेडरूम का मकान मिल सकता है। और अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग की भी बात करें तो रोजमर्रा की चीजें काफी महंगी है वैनकूवर में बनिस्बत विनिपेग के। तो अगर आप कनाडा आने वाले हैं और सोच रहे हैं कि किस सिटी में रहा जाए तो विनिपेग इज अ वेरी स्मार्ट ऑप्शन। यहाँ पे आप रह के पैसा वैसा बचा सकते हैं, और फिर एक बार आपका फुटिंग जम गई यहाँ पे, आपको नेटवर्क बन गया, उसके बाद से फिर आप निकल जाइए, जाइए वैनकूवर, जाइए टोरंटो, जाइए जहाँ जाने का मन है वहाँ जाइए, नो वन स्टॉपिंग यू। और जिस सेंटर ऑफ कनाडा की हम लोग बात कर रहे हैं, एक दिन अभी यहाँ टहलते टहलते उस सेंटर ऑफ कनाडा तक चली गई थी, वो भी पूरे बर्फ में। इस वीडियो से आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि कितना ठंडा पड़ता है यहाँ पे।